आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से घर के अंदर चल जाते हैं। ये इंडोर प्लांट्स आपके घर के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन से पौधे हैं ये। तो दोस्तों मैं आपको एक बात सच सच बोलने वाली हूँ, ये बिल्कुल सच है। अभी सर्दियां आने वाली हैं दिल्ली एनसीआर में, और पॉल्यूशन इतना ज्यादा हाई हो जाएगा ना, जो कि हमारे बच्चों की हेल्थ पे और जो हमारे एल्डर्स हैं घर में, सबकी हेल्थ पर इफेक्ट डाल सकता है। और आपको पता है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जो वेदर फॉरकास्टिंग है मतलब ऑर्गेनाइजेशन, वो ये बोल रही है कि इस बार जो ठंड है वो बहुत ज्यादा टाइम तक पड़ेगी, तो ऐसे में स्मॉग और ऐसे में पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा बढ़ सकता है। तो मैं आपको ये बोलूंगी, सर्दी आने से पहले अभी इस मौसम में आप अपने घर के अंदर जो मैं बता रही हूँ आपको, आज ये 5 पौधे लगा लीजिए, तो आपके घर की हवा भी शुद्ध होगी, एयर प्यूरिफाई होगी, और आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे खुद से ही। और अगर आपको स्ट्रेस भी रहता है तो प्लीज गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए, और आप इस स्ट्रेस से, जो हम डेली लाइफ में, हम जो जिनसे हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इन सबसे मतलब फाइट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना बकवास किए, कि कौन कौन से हम पौधे अपने घर के अंदर लगाएं जो हमारे घर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। ये है हमारा सबसे पहला पौधा जो आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम है रबर प्लांट। देखिए, रबर प्लांट की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज आती हैं जो आप अपने नर्सरी में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी, रबर प्लांट की ये स्पीशीज जिसके आपको पत्ते कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आप इंडोर प्लेस कर सकते हैं जहां पे इसको ब्राइट लाइट मिल जाए। आप देखिए, यहाँ पे देखिए स्लाइडर है, तो यहाँ से ताजी हवा आती है और ब्राइट लाइट भी मिलती है, तो इस पौधे के लिए सफिशियंट रहती है। तो इस रबर प्लांट की इस स्पीशीज को आप इंडोर लगा सकते हो। बाकी रबर प्लांट की जितनी भी स्पीशीज आपको नर्सरी में दिखाई देंगी, सबको धूप चाहिए होती है, और अगर मैं इसको धूप में रख दूंगी तो इसके पत्ते स्कॉर्च हो जाएंगे, तो इस चीज का आपको रबर प्लांट के साथ ध्यान रखना है। जो दूसरा पौधा आता है जो इंडोर बहुत अच्छे से चल जाता है, देखिए मैं आपको ऐसे फालतू का ज्ञान नहीं दूंगी, मैं आपको पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इवन प्लांट्स के साथ दिखाऊंगी कौन कौन से पौधे हैं जो एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को आप मिस कर जाएंगे। तो दूसरा जो पौधा आता है वो देखिए ऊपर आप वो देख रहे हैं, वो उसका नाम है डिफेनबाकिया डमकेन। देखिए जो ये पौधा है ना, ये घर की हवा को बहुत अच्छे से शुद्ध करता है, घर के अंदर इंडोर चल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको आप सनलाइट दीजिए, सिर्फ इसको वही ब्राइट लाइट दीजिए, और देखिए यहाँ पे ये स्लाइडर है, तो यहाँ से ताजी हवा, ब्राइट लाइट सब मिलती रहती है इस पौधे को। तो इस पौधे को भी आप अपने घर के अंदर रख सकते हो और घर की हवा को प्यूरिफाई कर सकते हो। चलते हैं अपने तीसरे पौधे की तरफ। ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है वो पौधा जिसका नाम है जीजी प्लांट। अब मैं आपको बताऊं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए हम सभी क्या करते हैं घर के अंदर, देखिए ये रग्स मैट ये सब खरीदते हैं, जब हम इनको अपने घर में लेके आते हैं ना दोस्तों, तो होता ये है कि इन इन्हीं डोरमेट से, इन्हीं कारपेट से, इन्हीं रग्स से जो गैसेस निकलती हैं जिसका नाम है बेंजीन और टॉलीन, ये हमारे घर की हवा को शुद्ध नहीं करते, इवन बहुत ज्यादा ये पॉल्यूटेंट्स है, केमिकल्स है, हवा में घुल के हमारी लाइफ को खतरे में डाल देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, जीजी प्लांट को लगा लेना होगा। जो ये जीजी प्लांट है ना, ये घर की हवा को शुद्ध करता है, और जो जो हवा के अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि बेंजीन, टॉलीन, ज़ाइलीन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट्स को ये पौधा क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश एयर देता है 24 घंटे। अब बात कर लेते हैं हमने दूसरे पौधे की, स्पाइडर प्लांट। देखिए जो ये स्पाइडर प्लांट आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा पैंजी प्लांट है। मैं इसे ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ मैं इसको कि नकचढ़ा है, वो इसलिए इसको डेली निहारो, डेली इसको पूरी तरीके से, मैं डेली इसको बोलती हूँ अरे वाह आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो तुम, तो आज तो ये लग रहे हो, प्लस पानी कम दे दिया तो दिक्कत, पानी ज्यादा दे दिया तो दिक्कत। इस स्पाइडर प्लांट के साथ सिर्फ यही सबसे बड़ी इशू आता है, इसके अलावा इंडोर अच्छे से चल जाता है। और आपको पता है आजकल ऑफिसेज में इसको सबसे ज्यादा, ये ट्रेंड में चल रहा है ये पौधा, और ऑफिसेज में जैसे मतलब बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं वहां पे इस पौधे की डिमांड बढ़ गई है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसे अपने घर के अंदर जरूर लगा लेना, छोटे छोटे से बेबी इसको प्रोड्यूस करता है, और फिर उसके बाद आप इसको मैच्योर, मतलब जैसे वो उसका बेबी मैच्योर हो जाए वैसे उसको प्लांट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है इधर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की। जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है ना, वो नासा भी बहुत पसंद करता है, पता है आपको, नासा इस पौधे को इतना पसंद करता है, उसने तो इसके ऊपर रिसर्च तक कर डाली है।
आपको पता है उसने क्या किया, एक वैक्यूम लिया रूम जहां पे, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई हवा नहीं होती है, तो वहां पे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारी गैसेस डाली गई। गैसेस डालने के बाद ये जो आपको दिख रहा है 3 फीट का है, ये 3 फीट का जो हमारा स्नेक प्लांट है जिसको सैन सवीरिया बोलते हैं, मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं, सांस की जीप तो इस पौधे को रखा, कम से कम 10 पौधे रखे गए और आधे घंटे के अंदर अंदर 90% गैसेस इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो सोचिए आपके घर की हवा को कितनी जल्दी से शुद्ध कर सकता है। दोस्तों क्या चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए, ताजी हवा जरूर चाहिए। देखिए इंडोर प्लांट्स आप जितने भी रख लो, जो लोग कहते हैं ना हमारे इंडोर प्लांट्स नहीं चलते, मैं उनकी गारंटी लेती हूँ, जिनके पौधे नहीं चलते प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना, और काफी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं कि इंडोर प्लांट्स की हम केयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ताजी हवा, ब्राइट लाइट और तीसरी चीज पानी का ध्यान रखना, बस। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। इसके अलावा प्लीज अपने बच्चों को, अपने लिए प्लीज, अपने एल्डर्स के लिए, सबकी हेल्थ के लिए जरूरी है दोस्तों कि पौधों को लगाएं। जितने ज्यादा पौधे लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी, डॉक्टर्स को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लीज इन पौधों को जरूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।